मिट्टी में तो आलू उगते सभी ने देखे होंगे, लेकिन हरियाणा में अब हवा में आलू उगेंगे और पैदावार भी करीब 10 से 12 गुना ज्यादा होगी। हरियाणा के करनाल जिले में स्थित आलू प्रौद्योगिकी केंद्र में इस तकनीक पर काम पूरा कर लिया गया है। अप्रैल 2020 तक किसानों के लिए बीज बनाने का काम शुरू हो जाएगा। इस तकनीक का नाम है एरोपोनिक। इसमें जमीन की मदद लिए बिना हवा में ही फसल उगाई जा सकती है। इसके तहत बड़े बड़े बॉक्स में आलू के पौधों को लटका दिया जाता है, जिसमें जरूरत के हिसाब से पानी और पोषक तत्व डाले जाते हैं। करनाल के शामगढ़ गांव में स्थित आलू प्रौद्योगिकी केंद्र के अधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र यादव ने बताया कि इस सेंटर का इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के साथ एक MOU हुआ है। इसके बाद भारत सरकार द्वारा एरोपोनिक तकनीक के प्रोजेक्ट को अनुमति मिल गई है। आलू का बीज उत्पादन करने के लिए आमतौर पर हम ग्रीन हाउस तकनीक का इस्तेमाल करते थे, जिसमें पैदावार काफी कम आती थी। एक पौधे से 5 आलू मिलते थे, जिन्हें किसान खेत में रोपित करता था। इसके बाद बिना मिट्टी के कॉकपिट में आलू का बीज उत्पादन शुरू किया गया। इसमें पैदावार करीब 2 गुना हो गई, लेकिन अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए एरोपोनिक तकनीक से आलू उत्पादन करेंगे, जिसमें बिना मिट्टी बिना जमीन के आलू पैदा होंगे। इसमें एक पौधा 40 से 60 छोटे आलू देगा, जिन्हें खेत में बीज के तौर पर रोपित किया जा सकेगा। इस तकनीक के करीब 10 से 12 गुना पैदावार बढ़ जाएगी। इस तकनीक में मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती। बड़े बड़े प्लास्टिक और थर्माकोल के बॉक्स में आलू के माइक्रो प्लांट डाले जाते हैं। उन्हें समय समय पर पोषक तत्व दिए जाते हैं, जिससे जड़ों का विकास हो जाता है। जड़ें बढ़ने लगती हैं तो उसमें आलू के छोटे छोटे ट्यूबर बनने शुरू हो जाते हैं। इस तकनीक से पैदा हुए बीज में किसी तरह की बीमारी नहीं होती। सभी न्यूट्रिएंट आलू को दिए जाते हैं। इससे उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। ज्यादा पैदावार होने से किसान को फायदा भी होता है। देखिए समाचार एक्सप्रेस की है एक खास रिपोर्ट। जनरली यहाँ पे 5000 क्विंटल की पैदावार होती है और हरियाणा के अलावा हमारे पास पंजाब यूपी के किसान भी लेने आते हैं। तो अगर इस साल की मैं आपको बताऊँ तो लगभग हमारे पास अब तक 1200 किसानों ने आवेदन किया है और लगभग 30000 क्विंटल की हमारे पास डिमांड आई है। और अगर सेंटर की उत्पादन की बात करें तो लगभग 5000 क्विंटल है। तो मतलब आप मान के चलो कि 6 गुना तक जितना बीज है उससे 6 गुना ज़्यादा किसानों ने डिमांड की है। तो ये डिमांड तब आती है जब किसानों का विश्वास। किस रेट पे आप दे रहे हैं बीज? यहाँ पे हम 3 तरह के बीज का किसानों को दे रहे हैं। सबसे पहले बोलते हैं ब्रीडर सीड, जिनको मिनी ट्यूबर्स बोलते हैं। मिनी ट्यूबर जो है वो काउंटिंग करके दिए जाते हैं। बहुत छोटे छोटे आलू होते हैं, लगभग 10 से 12 ग्राम का आलू होता है और उसका जो रेट है वो 6 रुपये प्रति आलू है। अगर आप मार्केट में बात करें तो 10 रुपये प्रति आलू के हिसाब से बीज बिक रहा है, लेकिन ये सरकारी संस्थान होने के साथ 6 रुपये प्रति आलू के हिसाब से दिया जाता है। उसके अलावा होता है जनरेशन वन, जिनको हम फाउंडेशन बोल देते हैं, कुछ लोग उसको ब्रीडर भी बोल देते हैं, लेकिन हम उसको जनरेशन वन का बीज कहते हैं। वो 35 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से दिया जा रहा है। एक क्लास आती है जिसको हम जनरेशन टू बोलते हैं, वो 16 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जाता है। तो 3 श्रेणी के बीज हमारे पास उपलब्ध हैं, ये हम दे रहे हैं। सर, बेहतर फसल कौन सी है, खेत में उगाने वाली या फिर हवा में आलू पैदा करने वाली? देखिए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हवा में जो आलू लगेगा वो सिर्फ बीज के लिए आगे इस्तेमाल किया जाएगा। वो सबसे पहली श्रेणी का जिसको जनरेशन जीरो बोलते हैं उसका बीज है। उस बीज को खाया नहीं जा सकता क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ इतना महंगा है तो उसको बीज उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। तो उससे जो आलू पैदा होगा उसकी जो पैदावार आती है वो प्रति एकड़ लगभग लगभग 100 क्विंटल आ जाती है। एक एकड़ में वो 40000 ट्यूबर लगेंगे और वो आपको 100 क्विंटल पैदावार देंगे। तो इसलिए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बीज उत्पादन अलग है और आलू का उत्पादन करना अलग चीज़ है। सर, आलू की खेती करने वाले किसानों से आप क्या अपील करेंगे कि वो किस तरह से आलू की खेती करें और बेहतर पैदावार करें? देखिए सबसे अच्छा मुझे लगा यही सवाल है कि जो आलू के किसान हैं, सबसे पहले किसान को ये मोटिव फाइनल कर लेना चाहिए कि मैं आलू किसके उत्पादन के लिए कर रहा हूँ। अगर वो प्रोसेसिंग के लिए कर रहा है तो उसको खाद से लेके बिजाई के समय से लेके हार्वेस्टिंग तक उन कंपनी के जो रूल हैं उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उनमें अगर शुगर की मात्रा बढ़ गई तो वो अनफिट हो जाते हैं चिप्स बनाने के लिए या फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए या उसका फ्लेक्स बनाने के लिए। तो हमें उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। जो किसान भाई राशन के लिए मंडी के बेचने के लिए कर रहा है उसके लिए अलग तकनीक है, उसके लिए वैरायटियां भी अलग है, तो उसको अलग वैरायटी का चयन करना चाहिए।
और एक किसान को ये मिथ दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि अधिक उर्वरक डालने से पैदावार अधिक होती है। उनको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में जाना चाहिए, संतुलित जिसको हम बोलते हैं खाद, संतुलित मात्रा में खाद देनी चाहिए। सर जो कुछ किसान हैं वो सिर्फ गेहूं और जो है जीरी की फसलें लगाते हैं, वो सोचते हैं कि वही डिप्रेशन में होते हैं कि आलू की फसल से ज़्यादा पैदावार नहीं हो सकती, उनको नुकसान होगा, ऐसे किसानों सब क्या कहेंगे सर? हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा पहले लगता था उनको क्योंकि उनका MSP होता था, गेहूं का और हमारे चावल का मिनिमम स्पॉट प्राइस है जो सरकार ने फिक्स कर रखा, तो किसान निकालने के बाद उसको निश्चिंत रहता है कि मुझे इस भाव बिकेगा। लेकिन अभी आपने देखा कि भावांतर भरपाई स्कीम में आलू को भी उसमें शामिल कर लिया गया, उसको हम MSP तो नहीं कहते लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट बोल देते हैं। आलू का 5 रुपये तो सरकार देगी ही देगी, अगर कोई किसान आलू लगाता है तो 5 रुपये प्रति किलोग्राम तो उसको मिलेगा, उससे कम में अगर आलू बिका तो उसका जो हर्जाना है उसका भरपाई सरकार के द्वारा किया जाएगा। उसके लिए किसान मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है, अधिक जानकारी के लिए वो कृषि मार्केटिंग बोर्ड से या जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क कर सकता है अपने एरिया में, और अपना पोर्टल पे अपना जाके आलू का एरिया का ब्यौरा दे दे ताकि उसका रजिस्ट्रेशन उसमें हो जाए। सर हाल ही में आलू की फसल भी हुई थी कुछ दिन पहले, सर आपके पास भी किसान आते होंगे, आप भी जाते होंगे, तो सर बेहतर क्वालिटी कौन सी की बार उभर कर सामने आई? अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें तो चिप्सोना बहुत अच्छी वैरायटी है, LR बहुत अच्छी वैरायटी रही प्रोसेसिंग के लिए। फिंगर चिप्स की बात करें तो फ्रेंच फ्राई है, फ्रायोम है, संटाना है, ये सब वैरायटियाँ बहुत अच्छी थी। राशन की बात करें तो पुखराज के साथ साथ मोहन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मोहन वैरायटी ने इतना अच्छा किया कि सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी बन गई हरियाणा में। सर एरोपोनिक को लेकर आप किसानों से क्या अपील करेंगे कि वो जो उन्होंने खेती अपनाई हुई है गेहूं और चावल की, उनसे ऊपर आएँ और एरोपोनिक तकनीक से जो है आलू का उत्पादन करें? देखिए किसान के लिए एरोपोनिक लगाना मुश्किल है, लेकिन एरोपोनिक से उत्पादित बीज का इस्तेमाल करके वो आगे बीज बनाएं और दूसरे राज्यों को सप्लाई करें ताकि उनका मुनाफा प्रति एकड़ और ज़्यादा बढ़ जाए। ये जो बीज में जो आप चिप्स की वैरायटी कह रहे हो, कमाई तो वो चिप्स वाले कर दे, तो 80 रुपये पाइया के हिसाब से 20 रुपये किलो आलू जो बाजार में मिले 80 रुपये पाइया बेच गए। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या रहता है, चिप्स बनाने में आलू से चिप्स बनाने का प्रोसेस जो होती है, मशीनरी जो होती है, उसमें काफ़ी खर्चा आता है, तो वो सब पैरामीटर जोड़ते हैं। इसीलिए हमने FPO का चलन बढ़ाया कि किसान भाई खुद एक FPO कंपनी बना के हम उनको हेल्प कर देंगे, वो चिप्स की फैक्ट्री अपनी खुद की लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास हॉलैंड है, उनके पास में कई सारी मशीनरी हैं और कई जो हैं कंट्री जो इस काम में सबसे अग्रणीय हैं, तो किसान भाई एक समूह बना के जिनको फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, FPO, उनमें सरकार मदद करती है और कई पैरामीटर पे 90% तक अनुदान दे रहे हैं, तो FPO में किसान भाई जुड़ के एक कंपनी बना लें, चाहे वो चिप्स की है या फ्लैक्स की है, क्योंकि उसमें लागत बहुत अधिक होती है, तो कई किसान मिलके अगर काम करेंगे तो वो खुद की फैक्ट्री बना सकते हैं, तो एक कंपनी के रूप में काम करेंगे तो उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है बढ़ जाएगी। थैंक यू। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।